हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और खुशहाल होंगे। और ये है मेरे बर्थडे का व्लॉग। तो लॉकडाउन में और क्या करेंगे, जो कुछ भी प्रेपरेशन है घर में ही करनी है। इसके लिए मैं बनाने लगी हूँ पिज़्ज़ा। पहले से डिसाइड हो चुका था कि पिज़्ज़ा हम लोग खाने वाले हैं। मैं सोच रही थी छोले भटूरे बनाऊँगी, बट देन बाकी तीन शर्माज ने कहा कि उनको पिज़्ज़ा खाने का मन है। तो ये है एक्टिव ड्राई ईस्ट और इसके ऊपर डाला है लाइक 2 टेबलस्पून मैंने ड्राई ईस्ट लिया और 1 टेबलस्पून इसके ऊपर मैंने शुगर डाला है। शुगर ईस्ट का फूड होता है, ये इसी पे ग्रो होता है, इसलिए इसके अंदर शुगर डालना बहुत ज़रूरी है। और इसके अंदर नमक कभी नहीं डालना चाहिए, यह आपके ईस्ट की ब्लूम होने की प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकता है। दूसरा, आपका जो ईस्ट है इसे ब्लूम होने के लिए 2 चीज़ें चाहिए। फर्स्ट शुगर जो हमने डाल दिया है, सेकेंड लूक वार्म मिल्क या वाटर। अभी ये पानी मैंने गर्म किया है बट ये बहुत गर्म है, मुझे छूने से गर्म लग रहा है, इतना गर्म नहीं चाहिए। अदरवाइज ये जो यीस्ट है ये एक्टिव है, ये डेड हो जाएगा। आपको इसे एकदम नीम गर्म करना है कि आपकी उंगली सह सके। तो मैं इसे थोड़ा डाइल्यूट करूँगी। आपकी उंगली सह सके इसका टेम्परेचर उतना ही रखिए, बहुत गर्म नहीं और ठंडा भी नहीं। इसके बाद आप ये जो यीस्ट है ना, इसमें पानी या दूध जो भी आपने लूकवॉर्म लिया है उसको लेकर इसे ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए ब्लूम होने के लिए किसी गर्म जगह पे रख दें। ये जो यीस्ट है ना आपका, ये तुरंत घुलना शुरू हो जाएगा एंड इट हैज शुगर इन इट, तो ये ब्लूम भी होगा। और थोड़ी देर बाद ये आपको एकदम फ्रथी दिखना चाहिए। मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ कैसा ये चाहिए हमें। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ब्लूम हो गया है। अगर इस तरह से झाग नहीं बनते आपके यीस्ट पे, यानी कि वो यीस्ट खराब है, वो आपके डो को फर्मेंट नहीं करेगा, तो आपको ये प्रोसेस दोबारा करनी पड़ेगी। इसमें कुछ भी ट्रिकी नहीं है, जस्ट दैट कि आपको पानी के टेम्परेचर का ध्यान रखना है। ये बहुत अच्छा फ्रथी हो गया है, अब मैं आटा लगाना शुरू करूँगी। और ये देखिए, यीस्ट बहुत अच्छे से ब्लूम हो गया है। ऐसा फ्रथी हो तो ही इस्तेमाल करें, वरना आप उसे डिस्कार्ड कर दें। यहाँ मैं ले रही हूँ 4 कप मैदा, यानी कि हिसाब बिल्कुल सिंपल है। 2 कप मैदा के लिए 1 टेबलस्पून यीस्ट चाहिए। मैदा में मैंने नमक मिलाया है और अब इसको मैं अच्छी तरह से छान लूँगी। मेरा प्लान था पिज़्ज़ा बनाने का, इसके बाद गार्लिक ब्रेड बनाने का, पर 2 पिज़्ज़ा में हम लोग फुल हो गए। पर ये जो डो है इसे आप उठाकर रख सकते हैं फ्रिज में, 1-2 दिन ये अच्छा रहता है, आप इसे आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने भी इसे नेक्स्ट डे इस्तेमाल किया था। आटे में अच्छी तरह से नमक को मिला लीजिए और उसके बाद सबसे पहले आपका जो यीस्ट मिक्सचर है ये जो है इसको डालकर अच्छे से मिला लीजिए, आटा गूंदना शुरू कीजिए। ये इनफ नहीं होगा आटा गूंदने के लिए, आपको आगे भी पानी की ज़रूरत पड़ेगी। आपको यहाँ 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो ये कि जो आप आटे लगाने के लिए पानी इस्तेमाल करने वाले हैं वो ना तो ठंडा हो ना तो गर्म, रूम टेम्परेचर होना चाहिए, लूक वार्म हो तो बेस्ट है। दूसरा ये कि आटे को आपको अच्छी तरह, इस तरह आप मेरे हाथों का मोशन देखें, उसी तरह स्ट्रेच कर करके आपको आटा गूंदना है। इस डो में तेल भी जाएगा, बहुत लोग तेल पहले ही डाल देते हैं, पर मैं हमेशा आटा तैयार करने के बाद जब इसको फिनिश करना होता है ना तब तेल लगाती हूँ। इससे क्या होता है, आटा एकदम स्मूद हो जाता है। शुरू में ही आप तेल डाल देंगे तो क्योंकि ये जो आटा है ये बहुत चिपचिपा है, आपको फिर बाद में है ना और तेल डालने की ज़रूरत महसूस होगी, जिससे आपके आटे का टेक्स्चर ख़राब हो सकता है। इसलिए पहले मैं आटा ऐसे ही गूंद लेती हूँ और जब वो डन करने का टाइम आता है तब मैं रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑयल डालकर उसको स्ट्रेच कर लेती हूँ। 1-1.5 टेबलस्पून तेल यहाँ पर चाहिए। आटा एक बार तैयार हो गया तो एक बोल में मैंने तेल ले लिया है और उसके बाद ये देखिए आटे को मैं किस तरह टक कर रही हूँ। इस प्रोसेस को टकिंग कहते हैं। दोनों हाथों से पीछे की तरफ आटा टक करते जाइए, ऊपर से एकदम स्मूथ सरफेस वाला आपका बॉल जैसा तैयार हो जाएगा। तब तक और तैयार हो जाएगा आपका बॉल, तो इसके बाद आप इसको रख दीजिए फर्स्ट प्रूविंग के लिए। प्रूव यानी कि फूलने की प्रक्रिया, तो इसको हमें अभी प्रूव होने के लिए रखना है, यानी कि फूलने देना है। और देखिए, आप इसे 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं, बट बेसिकली हमको चाहिए डबल, ये आपको डबल होता नज़र आए।
उतनी देर के लिए आप इसे प्रूव होने के लिए रख दीजिए किसी वार्म जगह पर। इसमें एक घंटा दो घंटा जितना भी वक्त लगे बस आपको इसे फूलने देना है। और यहाँ पे बनाने लगे हैं शर्मा जी मेरे लिए केक। यूजुअली वो केक लेकर आते हैं हमेशा हम सबके बर्थडेज पे, पर अभी लॉकडाउन है तो नहीं ला सकते, इसलिए उनका मन था कि वो अपने हाथों से बनाना चाहते हैं। उन्हें केक बनाना नहीं आता, ये रेसिपी मेरा ही है, मैं उन्हें नैरेट कर रही हूँ, वो फॉलो कर रहे हैं इंस्ट्रक्शंस। इट्स जस्ट दैट कि वो चाहते थे कि वो अपने हाथों से केक बनाएं, और क्योंकि शर्मा जी केक बना रहे हैं इसलिए बहुत आसान वाला रेसिपी मैंने उनको दिया है, आपको भी दे रही हूँ। अगर आप बिगनर हैं ये वाला रेसिपी ट्राई कीजिएगा, फूल प्रूफ है और बहुत आसान है। एक कप मैदा, उसमें एक टेबलस्पून कोको पाउडर और एक ही टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर, ओके, इतना क्लियर, बहुत ही ईजी मेजरमेंट है। इसके बाद 1 teaspoon बेकिंग पाउडर, और हर रेसिपी में जितना आप बेकिंग पाउडर लेते हैं उसका आधा, अनलेस मेंशन सो, उसका आधा बेकिंग सोडा, यानी कि आपने 1 teaspoon बेकिंग पाउडर लिया है तो 1/2 teaspoon बेकिंग सोडा लीजिए। अभी तक के मेजरमेंट एकदम सिंपल और क्लियर हैं। इसके बाद इसमें पिंच सॉल्ट डालिए, मैंने यहाँ 1/8 teaspoon सॉल्ट डाला है। इसके बाद ये तो हो गए आपके ड्राई इन्ग्रीडियंट्स, इनको एक बोल में बहुत अच्छी तरह से छान लीजिए, 2-4 बार छान लेंगे तो बहुत अच्छा है, एक बार छानने से भी काम चलेगा। बस पर्पस ये है कि इसमें कोई भी तरह के लंप नहीं रहने चाहिए। इसको छान लीजिए और एक अच्छा सा ना मिक्स दे दीजिए। तो ये तो हो गए आपके बहुत ही इजी ड्राई इंग्रेडिएंट तैयार। आपको बड़ा केक बनाना है तो इन इंग्रेडिएंट्स को डबल कर दीजिए। मैं एकदम बेसिक बना रही हूँ, छोटा सा केक मैं नहीं, बेसिकली शर्मा जी बना रहे हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट तैयार हो गए हैं, बारी है वेट की। तो 1/4 cup ऑयल, 1/2 cup दही, 1/2 cup चीनी, और इन तीनों को अच्छी तरह से मिला लीजिए। आपने देखा इसके जो मेजरमेंट्स हैं वो बहुत ही आसान हैं। इनको अच्छी तरह से मिला लीजिए जब तक आपको बिल्कुल ही अच्छा सा इस तरह का बैटर जैसा दिखने लगे। इसके बाद डालिए इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस। मेरा ये वनीला एसेंस भी ख़त्म होने आया है और अभी पैंट्री में सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और डिलीवरीज हो नहीं रही हैं अमेज़ॉन से, लाइक हो रही हैं पर इन चीज़ों की नहीं, ओनली बेसिक्स की, तो थोड़ा अभी ध्यान देना पड़ता है। इसके बाद ड्राई में वेट मिला दीजिए। तो मैंने बोला शर्मा जी को कि मैं कर देती हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं करूँगा तो मैं ही, यू जस्ट टेल मी कैसे करना है। तो आई वॉज टेलिंग हिम कि इसको कट एंड फोल्ड से आप मिक्स कर लीजिए, तो वो कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं बट स्टिल उनका कट एंड फोल्ड ठीक नहीं आया है। तो मैं उनको बता रही हूँ किस तरह कट एंड फोल्ड करते हैं, इनकेस आपको नहीं पता है, आप भी किचन में बिगनर हैं, बेकिंग में बिगनर हैं, तो आप देख लीजिए जिस तरह शर्मा जी कर रहे हैं ऐसे नहीं, आपको ऐसे कट फोल्ड यानी कि पूरी परत ऊपर आनी चाहिए, इस तरह से कीजिए। सिर्फ नाइफ घुमाना नहीं है, मतलब स्पैचुला घुमाना नहीं है, आपको जो आपका बैटर है ना, देखिए मैं करके दिखाती हूँ, कट और फोल्ड यानी कि नीचे से ऊपर लाते हुए मिक्स करना है। इसको आप विग्रसली मिक्स मत कीजिए, कट एंड फोल्ड से धीरे धीरे ही मिक्स कीजिए, एंड ओवर मिक्सिंग कभी मत कीजिए, उससे आपका जो केक है वो फ्लैट हो जाता है, बैठ जाता है और केक का सारा मज़ा ख़राब हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे ना पानी मिला के इसको डाइल्यूट किया है, आप चाहें तो दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर जैसे मैंने बताया एक बहुत ही आसान वाला केक है, इसमें कोई तामझाम नहीं है। बस हाँ, बेकिंग के कुछ एसेंशियल्स होते हैं और कुछ रूल्स होते हैं, वो तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। बैटर एक बार अच्छे से तैयार हो गया है तो इसे जिस टिन में आप बेक करना चाहते हैं उसको ग्रीस कर लीजिए पहले, और उसमें इसको डाल दीजिए। ये टिन मेरा मायर का है और इसको एज सच ग्रीसिंग की ज़रूरत नहीं होती है। बैटर पोर कर दीजिए, टैप कर दीजिए, और इसके बाद हमारे पास चॉको चिप्स नहीं थे तो जो थोड़े बहुत चॉकलेट पड़े हुए थे ना मेरे कंपाउंड्स, उन्हीं को तोड़ के इस तरह हम लोगों ने टॉपिंग कर दी है। आपके पास चॉको चिप हो तो वो डालिएगा, उससे लुक भी बहुत अच्छा आता है, टेस्ट में तो कोई फ़र्क आता नहीं है ज़्यादा क्योंकि दोनों ही चॉकलेट ही है। और इसके बाद आप रखेंगे इसको बेकिंग के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पे अप्रॉक्सीमेटली 25 मिनट्स के लिए। दोनों रॉड आपको ऑन रखना है, फैन मोड ऑन रखना है, और बीच बीच में चेक करते रहिएगा क्योंकि केक की क्वांटिटी कम है, तो थोड़ा सा चेक कीजिएगा आफ्टर 20 मिनट्स। अब छोड़ दूँ? हाँ छोड़ दो, 30 मिनट्स के लिए, अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स के लिए। 20 मिनट के बाद हमें ये चेक करना पड़ेगा बिकॉज़ हमारा केक बहुत थिक नहीं है। वाओ, अच्छा आएगा, नहीं लग रहा है? यम्मी होगा, रेसिपी इज नो फेल एंड यू डिड इट वेल। मतलब अभी तक जो तुमने किया वो देखकर लग नहीं रहा कुछ ब्लंडर होने वाली है।
Fingers crossed. Fingers crossed. तो केक बेक हो गया है. इसके बाद शर्मा जी टूथपिक टेस्ट कर रहे हैं. ये सारी चीज़ें उनके लिए नई हैं, उन्होंने लाइफ में पहली बार ही की हैं. तो बहुत सारी चीज़ें इस लॉकडाउन में बुरी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी हो रही हैं. जैसे शर्मा जी ने सीखा केक बनाना. तो केक हो गया है रेडी. उसे थोड़ा सा कूल करने का टाइम देना है, वो रूम टेम्परेचर आ जाए तभी केक को टच किया कीजिए. मीनवाइल मैं पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी कर रही हूँ. डो मेरा लगभग प्रूव हो चुका है. यहाँ मैंने पनीर को मैरिनेट किया है. आप पनीर मैरिनेट कर सकते हैं अपने हिसाब से. मैंने अपने मसाले थोड़े बहुत डाल के इसको मैरिनेट कर लिया है. आप चाहें तो इसे मखनी ग्रेवी या किसी और तरह की ग्रेवी में भी मैरिनेट कर सकते हैं. और ये मेरा प्लान था गार्लिक ब्रेड बनाने का, तो इसके लिए गार्लिक बटर मैं तैयार कर रही हूँ. बट दो पिज़्ज़ा खा के हम लोग फुल हो गए, तो फिर मैंने गार्लिक ब्रेड नहीं बनाया. और जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ, ये डो को फ्रिज में रखा जा सकता है. मैंने भी फ्रिज में रख दिया था. नेक्स्ट डे चाय के साथ फिर मैंने वो जो डोमिनो स्टाइल गार्लिक ब्रेड होता है ना, जो डी शेप का होता है, हाफ मून जैसा, वो वाला बनाया था. कैप्चर नहीं किया रेसिपी पर, मैं आपको ज़रूर दे दूँगी वेन एवर आई मेक नेक्स्ट टाइम. और ये सारी तैयारी हो रही है पिज़्ज़ा की. दो पिज़्ज़ा बनाने वाली हूँ मैं, एक वेजी पिज़्ज़ा और एक फिर अपना पनीर पिज़्ज़ा. प्रिपरेशन हो गई है सारी. और ये देखिए डो कितने अच्छी तरह से फर्मेंट हुआ है और ये डबल से भी ऊपर आ गया है. बिल्कुल ऐसा ही आपको चाहिए. और ये बहुत ही स्मूथ, मैं आपको कैसे बताऊँ, एकदम मार्शमेलो जैसा लाइट एंड सॉफ्ट टेक्सचर का हो जाएगा. इस स्टेज पर आपका जो पिज़्ज़ा डो है ये बिल्कुल हैवी नहीं फील होना चाहिए, एकदम लाइट स्मूथ एंड प्लायबल होना चाहिए. थोड़ा सा ना पंच करके इसकी हवा निकाल दीजिए और थोड़ा बहुत इसको नीड कर लीजिए. एज सच नीडिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने फर्स्ट प्रूविंग से पहले इसको बहुत अच्छा नीड कर लिया था. पिज़्ज़ा को यूजुअली सेकंड प्रूविंग के लिए नहीं रखा जाता है, वो सिर्फ ब्रेड्स और बंस का रखा जाता है. पर देन अभी हम एक पिज़्ज़ा बनाएंगे, तो जो ये डो बाकी का बचा है ना, ये सेकेंड स्टेज की प्रूविंग के लिए जाएगा ही. एक साथ सारे पिज़्ज़ा नहीं बनने वाले हैं. तो ये जो डो था ना, इसको मैंने तीन हिस्सों में बांटा है, क्योंकि मेरा जो पिज़्ज़ा ट्रे है ये बहुत बड़ा है. इसमें से छोटे साइज़ के 4-5 पिज़्ज़ा आराम से बन जाएंगे. तो मैंने पिज़्ज़ा ट्रे पे थोड़ा सा मैदा डाला है. आपके पास कॉर्न मील है तो दैट इज़ आइडियल, वो बेस्ट है. मैं हमेशा वो ही डालती हूँ. मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा मैदा डाला है. अच्छी तरह से इसको थोड़ा सा डस्ट कर लीजिए. और इसके बाद एक पिज़्ज़ा का हिस्सा लीजिए, जो हमने अभी तीन हिस्से बनाए थे ना, एक हिस्सा लीजिए, पहले उसे टक करिए, कैसे मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले. और इसके बाद हाथों से स्ट्रेच करते हुए इसको फैला दीजिए आपकी पिज़्ज़ा ट्रे पे. पिज़्ज़ा को हमेशा हाथों से स्ट्रेच करके बनाया जाता है, बेलन से नहीं बनाया जाता. इट्स द जस्ट दैट की कन्वीनियंस के लिए लोग बना देते हैं अभी बेलन से, पर दैट इज़ नॉट द राइट वे ऑफ मेकिंग अ पिज़्ज़ा. हमेशा हाथों से स्ट्रेच कीजिए. और आपके आटे का टेक्सचर भी ऐसा होना चाहिए कि वो हाथों से फैल सके. उससे ज़्यादा थिक है तो आपका पिज़्ज़ा अच्छा नहीं बनेगा. इसके बाद पिज़्ज़ा को इस तरह फोर्क से ज़रूर प्रिक कीजिए. ये बहुत ही मेजर स्टेप है, इंपॉर्टेंट स्टेप है. आफ्टर दैट थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कीजिए. मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, आप नॉर्मल ऑयल या बटर ले सकते हैं. इसके बाद पिज़्ज़ा सॉस थोड़ा सा स्प्रेड कर दीजिए. और मुझसे हो गई यहाँ गलती, मैं सीधे कैप्सिकम डालने लगी. फिर मुझे याद भी आया कि नहीं यार, मैंने चीज़ पहले डालना था, तो मैंने अपना हाथ रोक लिया. और जितने कैप्सिकम मुझसे गिर गए थे उनको तो मैंने फिर ठीक से फैलाना था ही ना, तो थोड़ा सा अच्छे से पूरे पिज़्ज़ा पे स्प्रेड कर दिया है. और इसके बाद पिज़्ज़ा जो चीज़ है मेरा मोज़रेला प्लस चेडर, इससे मैं एक अच्छी लेयर यहाँ पे क्रिएट करूँगी. पिज़्ज़ा में कितना सॉस, कितना चीज़, कौन से टॉपिंग कितनी मात्रा में चाहिए आपको, ये आपका अपना डिसीज़न है, आपका अपना चॉइस है. आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं. And you can always play with toppings. आपको जो पसंद आते हैं वो लीजिए. एक बार चीज़ की लेयर हो जाएगी तो ऊपर से फिर इस तरह स्लाइस किए हुए ऑनियन की एक लेयर कर रही हूँ मैं, और जो कैप्सिकम काटा था उसकी भी एक लेयर यहाँ कर दूँगी. अगेन मैं यहाँ पे फ्रेश वेजी पिज़्ज़ा बना रही हूँ, शायद इसको फार्म फ्रेश भी कहते हैं, वेजी डिलाइट भी कहते हैं. तो सिंपल बस वेजिटेबल वाला बना रही हूँ. आप इसमें जो चाहें वेजिटेबल वो डाल सकते हैं, जो आपको पसंद आते हैं या जो आपके पास अवेलेबल हैं.
मैंने यहाँ पे प्याज, कैप्सिकम और हरी मिर्ची लिया है और इसके बाद इसके ऊपर डाला है थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और पिज़्ज़ा सीजनिंग। अच्छी तरह से स्प्रेड कर दीजिए। और ये है थोड़ा सा मसालों का मिक्स, मैंने आपको बहुत पहले ही बार भजिया के मसाला बताया था, उसी में मैंने थोड़ा सा कश्मीरी मिर्ची और काला नमक एंड देन थोड़ा सा गर्म मसाला डाल के ये एक मिक्सचर बनाया है। इसकी रेसिपी मैं आपको कभी अच्छी तरह से दे दूँगी। वो स्प्रेड करने के बाद ये पिज़्ज़ा मैंने रखा था बेकिंग के लिए फुल टेम्परेचर यानी कि 220 डिग्री सेल्सियस पे। अराउंड 10 मिनट्स में पिज़्ज़ा तैयार हो जाता है। बट देन आपका पिज़्ज़ा कितना बड़ा है और आपका ओवन, इन सब चीज़ों पे बहुत डिपेंड करता है कि आपको ये कितनी देर पकाना होगा। टू बी प्रिसाइज 12 मिनट्स में मेरा पिज़्ज़ा तैयार हो गया था और ये हमारा फर्स्ट पिज़्ज़ा। तो शर्मा जी 3 डेज अगो दूध लेने गए थे तो ये कोल्ड ड्रिंक लेकर आए थे कि 10 अप्रैल आ रही है तो हम लोग इस तरह पार्टी करेंगे, कोल्ड ड्रिंक एंड पिज़्ज़ा। तो ये कोल्ड ड्रिंक आज काम आ रही है। इन दिनों वैसे भी हम कुछ भी ठंडा खाने पीने से बच रहे हैं, गला नहीं ख़राब होना चाहिए, स्पेशली जब आप बच्चों के साथ रहते हैं ना तो थोड़े से और ज़्यादा प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पिज़्ज़ा, बहुत यम्मी बना था, आप देखकर पता लगा ही सकते हो कि ये बहुत अच्छा है। आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, फुल प्रूफ रेसिपी है ये। मेरा पिज़्ज़ा हमेशा बहुत अच्छा निकलता है, जिन्होंने भी खाया है तारीफ़ किया है। आप बनाएंगे आपको भी पसंद आएगा। और ये पिज़्ज़ा था ईस्ट के साथ, मेरे पास था स्टॉक में ईस्ट। मैं अगर दोबारा पिज़्ज़ा बनाती हूँ तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपको बिना ईस्ट वाली रेसिपी दूँ, इनकेस आपके पास नहीं है तो आप भी पिज़्ज़ा का आनंद ले सकें इस लॉकडाउन में। ये हमारी भाभी ने, हाँ मतलब मैंने हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नीलम, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, May God bless you, dear Neelam. Happy birthday to you. चलो ये सबसे पहले फैमिली के लिए, सबसे पहले भी इस फैमिली के लिए। मेरे को बड़ा विश चाहिए। हाँ? मुझे बड़ा विश चाहिए। बड़ा विश चाहिए? ले लो, कौन सा चाहिए बोलो, कौन सा वाला पार्टी? हाफ तुम खा लोगी? अरे तुम्हारा बर्थडे कब है प्रिया? अरे ये केक शर्मा जी ने बनाया आज, ओवर एक्साइटेड। प्रिया का बर्थडे कब है? आठ मई। अगर लॉकडाउन खुल गया ना और प्रिया आ गई तो फिर साथ में मनाएंगे केक गाइस। अच्छा बनाया यार, देखो कितना सॉफ्ट है। सब लोग कैसे लालच भरी निगाहों में देख रहे हैं। सब अच्छा बनाया तुमने, सो स्पॉन्जी। गिर जाएगा पीस। तो केक कटिंग सेरेमनी हो गई फैमिली के साथ, बहुत अच्छा रहा मेरा ये बर्थडे। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह की शांत यू नो सेलिब्रेशंस। मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे लिए बहुत ही प्रेशियस मोमेंट था ये। इसके बाद मैं वापस आई हूँ किचन में, दूसरा पिज़्ज़ा बनाना है। एक पिज़्ज़ा से कुछ नहीं होता है, तो पिज़्ज़ा आपको हाथों से ही इस तरह स्ट्रेच करना है आटा बनाते हुए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत सख्त आटा नहीं लगाइएगा ऐसा जो हाथों से फैल जाए। दूसरी बात, पिज़्ज़ा हमेशा बीच में से थोड़ा सा पतला और उसके जो किनारे होते हैं ना उनको थिक रखा कीजिए। आप अगर बीच में से बहुत मोटा पिज़्ज़ा कर देंगे ना तो वो बहुत अच्छे से राइज नहीं होता है। तो वैसे तो पिज़्ज़ा एकदम इवन बनाइए आप, जितनी कोशिश हो सके एकदम इवन, पर थोड़ा सा किनारियाँ थिक रखते हैं और बीच का जो पूरा पिज़्ज़ा है वो थोड़ा पतला और इवन आप बनाइए। और हाथों से इस तरह फैला के मैंने पिज़्ज़ा ट्रे पर पूरा पिज़्ज़ा फैला दिया है। और ये मीडियम से थोड़े बड़े और लार्ज से थोड़े छोटे साइज़ के पिज़्ज़ास थे। इसके बाद इसे प्रिक कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, वरना आपका पिज़्ज़ा ओवन में जाके फूल जाएगा और सारी सारी टॉपिंग इधर उधर गिर जाएगी।
आफ्टर दैट इसके ऊपर किसी भी तरह का फैट स्मीयर कीजिए, ऑलिव ऑयल, बटर या किसी और तरह का ऑयल, और आप चाहे ना यहाँ पे गार्लिक बटर या फिर जो चिली ऑयल होता है, गार्लिक ऑयल होता है, इन सब की रेसिपी मैं आपको फ्यूचर में दूंगी, जब मैं बनाऊंगी तो रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूंगी। तो किसी भी तरह का फैट स्मीयर करने के बाद आप यहाँ लगाइए पिज़्ज़ा सॉस। आपके पास नहीं है तो आप टमेटो सॉस भी लगा सकते हैं, स्पेशली टमेटो चिली सॉस। इसकी रेसिपी बहुत आसान है, मैं आपके साथ कभी शेयर करूँगी। आफ्टर दैट जो आपका चीज़ है उसकी लेयर, और यहाँ पे वीडियो कॉल हो रही थी, और इसके बाद जो आपने पनीर मैरिनेट किया है इसकी लेयर, पनीर को आप कैसे भी मैरिनेट कर सकते हैं, देर आर लाइक 10-15 तरीके हैं पनीर मैरिनेट करने के, बहुत सारे तो मैं खुद भी आपको मेरे वीडियोस में दिखा चुकी हूँ। बस मैरिनेटेड पनीर को अच्छी तरह से लेयर कर दीजिए, और इसके बाद जो सब्ज़ियाँ आप चाहें वो डाल सकते हैं, बट बिकॉज़ मैं बेसिकली पनीर पिज़्ज़ा ही बना रही हूँ तो मैंने इस पिज़्ज़ा में बहुत सारी सब्ज़ियाँ नहीं रखी हैं, थोड़े से ऑनियन बच गए थे, वो कैप्सिकम मैंने यहाँ नहीं डाला है, कैप्सिकम मैंने पूरा फर्स्ट पिज़्ज़ा के लिए ही रखा था, एंड देन थोड़े से ग्रीन चिलीज़, और इसके बाद ये हैं रेड हेलपिनोज, पिकल्ड हेलपिनोज, और इनको मैंने डाल दिया है, और इसके बाद ये पिज़्ज़ा भी जाएगा बेक होने के लिए। पिज़्ज़ा हमेशा हाई टेम्परेचर्स पे बेक किया जाता है प्री हीटेड ओवन में। ये जो सीजनिंग है चिली फ्लेक्स, ऑरिगैनो, पिज़्ज़ा सीजनिंग, ये सब ज़रूरी तो है, पिज़्ज़ा को वो लुक एंड फील देता है, बट देन दीज आर ऑप्शनल टू, क्योंकि पिज़्ज़ा सॉस में ये सब सीजनिंग्स ऑलरेडी होती हैं। इसके बाद पिज़्ज़ा को बेक कर लीजिए, 10-12 मिनट में ये हो जाता है ओवर हाई टेम्परेचर, और ये हो गया है मेरा दूसरा पिज़्ज़ा भी तैयार। आप भी इंजॉय कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। ये रेसिपीज़ दोनों फूल प्रूफ हैं, बहुत अच्छी और टेस्टी बनती हैं, आप अगर किचन में बिगनर है ना तो भी आप बना सकते हैं, डू ट्राई देम। बाय बाय।